नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वेट रीगेन आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी या बलून्स। आपने सुना होगा कि वेट लॉस के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो बेरियाट्रिक सर्जरी है या बलून है या इवन अदरवाइज भी, अगर आप वेट लूज करते हैं डाइटिंग या फिजिकल एक्टिविटी से, तो बाद में वेट रीगेन होने की टेंडेंसी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में ही हम आज बात करेंगे। ओबेसिटी एक क्रॉनिक बीमारी है, जैसे शुगर बीपी ऐसी बीमारियां आपके लाइफ के साथ ही रहती हैं, उसी तरह ओबेसिटी भी आपके अंदर एक पार्ट ही बन जाता है। और किसी भी कारण अगर आप वेट लूज करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि ये वेट कभी भी वापस आ सकता है दूसरी बीमारियों की तरह। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी में स्टमक का साइज छोटा किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है पेशेंट्स का इंटेक बढ़ता जाता है। पेशेंट्स अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे कि स्टमक का साइज छोटा है, उन्होंने वेट लूज कर लिया है, अब उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही कम है, तो उनका थोड़ा खाना ही उनके लिए सफिशियंट है। ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये दिमाग में नहीं रखते हैं, वो भूल जाते हैं, देन धीरे धीरे वो खाने की क्वांटिटी को बढ़ाने लगते हैं या जो फूड चॉइसेस हैं उन्हें ख़राब करने लगते हैं। जैसे कि हाई प्रोटीन के बजाय अगर वो ज़्यादा मीठा या ज़्यादा ऑयली खाना शुरू करते हैं, तो थोड़े खाने में ही ज़्यादा कैलोरीज होने की वजह से भी वेट रिगेन हो जाता है। तो आफ्टर सर्जरी एक डाइट प्लान दिया जाता है, लेकिन विद टाइम पेशेंट्स उन्हें फॉलो अगर नहीं करते हैं, देन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है वेट रिगेन होने का। इसके बाद शुरू में जो एंथुजियाज्म रहता है डाइट को लेकर या एक्सरसाइज को लेकर, वो धीरे धीरे फेड आउट होने लगता है। पेशेंट्स को ये माइंड में नहीं रहता कि ये क्रॉनिक बीमारी है, तो जैसे जैसे वो अपना डिसिप्लिन बंद करते हैं, उससे भी वेट रिगेन होने का टेंडेंसी रहता है। जिन लोगों ने कभी भी वेट ज़्यादा पुट ऑन नहीं किया उनकी बॉडी, और एक ओबीस पेशेंट जिसने सर्जरी या किसी और मेथड से वेट कम किया है, उसकी बॉडी में डिफरेंस है, और ये हमेशा पेशेंट्स को याद रखना चाहिए। अल्कोहल इंटेक भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर लोग हाई क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते रहेंगे, तो ये बहुत हाई एनर्जी रिच एक ड्रिंक है, जिससे भी वेट रिगेन देखा जाता है। अगर पेशेंट सप्लीमेंट्स प्रॉपरली नहीं लेते हैं, तो उससे भी वेट रिगेन होता है, और अगर फ्लूड इंटेक कम रहता है तो उससे भी वेट रिगेन देखा जा सकता है। दूसरे प्रोसीजर जैसे मेल अब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर्स हैं, जैसे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, तो उसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टिन को बाईपास किया है, तो धीरे धीरे जो अगली इंटेस्टिन है वो अपना काम ज्यादा करने लगती है और वो प्रॉपरली फूड को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे भी वेट लॉस होना बंद होता है। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे, फूड चॉइसेस अच्छी नहीं रखेंगे या उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ा देंगे, तो ये इंटेस्टिन भी फूड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी और फिर से पेशेंट वेट रीगेन देखेंगे। तो सारे नियम जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में लागू होते हैं, वही मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में भी है, कि आपको फूड चॉइसेस अच्छी रखनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, कार्ब्स और ऑयल्स को कम रखना है, एक अच्छी लेवल ऑफ एक्टिविटी रखनी है, सप्लीमेंट्स लेने हैं, फ्लूड इनटेक अच्छा रखना है, और इस सबसे आप वेट रीगेन को कम कर सकते हैं और अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स बलून्स में भी अप्लाई होते हैं। बलून्स में हम 5 मंथ से लेके 1 ईयर तक बलून रख सकते हैं, और जब वो बलून बाहर आ जाता है, तब भी अगर पेशेंट ध्यान नहीं देंगे, अपने नई लाइफस्टाइल को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो अगेन वेट रीगेन देखा जा सकता है। इन सिंपल कंडीशंस के अलावा कुछ टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं, आपकी सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके वजह से कुछ कुछ पेशेंट्स में वेट रीगेन देखा जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ वेल डिसिप्लिन्ड है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी अनएक्सप्लेन्ड वेट रीगेन हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, इवैल्यूएशन कराइए। हो सकता है कि कोई टेक्निकल एरर हो, कोई अंदर नई प्रॉब्लम आ गई हो, बॉडी में कोई नई चीज़ उत्पन्न हो गई हो, जिससे कि वेट रीगेन हो रहा है। डॉक्टर से सलाह कर अपने टेस्ट करवा कर ये ढूंढिए कि क्यों ये वेट रीगेन हो रहा है, और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाए, आप इसे इवेल्यूएट कराइए और वापस अपने नॉर्मल वेट की तरफ चलना शुरू कीजिए। सो वी होप कि वीडियो देखकर आपको वेट रीगेन के बारे में कुछ इंसाइट मिला होगा, और अगर आप इसके शिकार हैं तो डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर